वीडियोकॉन ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है। इससे वीडियोकॉन से ज़्यादा इस कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों पर मुसीबत आ सकती है। वीडियोकॉन के पास 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ऐसे में अगर वो दिवालिया हो जाती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी कॉरपोरेट बैंकरप्सी का मामला होगा। वीडियोकॉन ग्रुप पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जो अब वो चुकाने में असमर्थ नजर आ रहा है। अगर वीडियोकॉन दिवालिया हो जाता है तो कई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंकों पर आफत आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के बैंकिंग इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कॉरपोरेट बैंकरप्सी का मामला होगा। वीडियोकॉन ग्रुप में दो मुख्य कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास बैंकों के 59,451 करोड़ 87 लाख रुपए और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के पास अलग अलग बैंकों के 26,673 करोड़ 81 लाख रुपए हैं। इसके अलावा भी लगभग 731 बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से वीडियोकॉन ने पैसे लिए थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि खुद वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत, प्रदीप कुमार धूत और राजकुमार धूत भी 57,823 करोड़ 24 लाख रुपए का दावा अपनी ही कंपनियों पर कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने कई जगह अपनी निजी गारंटी दी थी। इसके अलावा वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड ने भी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 1,787 करोड़ रुपए का दावा किया है। साल 2018 में वीडियोकॉन को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया था, जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स को उनके पद से हटा दिया गया था। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।